हाँ अर्षित, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा सर फोर्थ। था? हाँ क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा था यार? सर मैं ये कह रहा था कि जो करंट आवाज है नहीं वो आ रही? जीरो नहीं होना चाहिए। सर आवाज आवाज करंट जीरो नहीं होना चाहिए नहीं, करंट 0 क्यों होगा? क्योंकि सर बी और डी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिर पोटेंशियल सेम अरे नहीं नहीं, होगा। ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 22 ओम है, ठीक है? तो ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल अगर सेम होगा तब 0 होगा, है ना? तो कैलकुलेट करके देख ले, या तो अगर तो पोटेंशियल सेम आ गया फिर होगा 0। यहाँ पे इसको अगर शॉर्ट सर्किट हमने कर दिया यहाँ पे, तो करंट तो जाएगा ना शॉर्ट सर्किट में। अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एक तार लगा देता हूँ, तो उस शॉर्ट सर्किट में से करंट तो दौड़ता है, तो कितना करंट दौड़ेगा वो फाइंड करना है। तो इसमें वही करना पड़ेगा हमें, एक यहाँ पे लगाओ केवीएल, जैसे मर्जी मान लो इसमें करंट्स, तो इसमें करंट्स सपोज इसमें से आई आ रहा है, करंट आई आ गया इधर, है ना? इधर चला गया I1 और इधर चला गया मान लो I2। इस आई को ले लो I1 प्लस I2, ठीक है? तो दो लूप्स लगा लेना कोई भी, या तो एक ये लगा लो, एक बड़े वाला लगा लो लूप, या ये लगा लो और ये लगा लो, एनी टू लूप्स विल वर्क। ठीक है, आंसर आ रहा है इसका? समझ नहीं आया। अर्षित, करंट 0 तब होता है अगर पोटेंशियल सेम होगा, है ना? यहाँ पे पोटेंशियल सेम नहीं होगा इस मतलब पॉइंट पे। अगर हाँ एक बैटरी लगी होती तो सेम होता। फिर सेम होता, फिर तो ये अच्छा होता ना, ठीक अगर है। अगर मान ले ये है ही नहीं, इधर वाली चीज है ही नहीं, फिर तो क्या होगा? 20 वोल्ट यहाँ पे है, ये 20 का 20 वोल्ट इसमें कंज्यूम हो गया, तो यहाँ 0 बच गया, इधर भी 0 है, ठीक है? फिर तो इट इज एज गुड एज इट्स अ सिंगल पॉइंट, ठीक है? तो ये एक सिंगल पॉइंट होता, तो एक सिंगल पॉइंट के बीच में हम करंट फ्लो, इट इज नॉट एक्चुअली सिग्निफिकेंट, है ना? उसको अगर हम कोई तार बना रहे हैं तो हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि उसमें करंट दौड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली देखो, तुम लोगों को उस दिन शायद कौन प्राची भी यही पूछ रही थी कि तारों की रेजिस्टेंस भी होती है। हम यहाँ पे एक्सटेंड कर तो देते हैं पॉइंट को, यहाँ पे मैंने एक्सटेंड यहाँ पे कर तो दिया। सपोज तुम, अगर मैं एक इसकी बात करूँ, तारों की रेजिस्टेंस होती है, यहाँ पे 20 वोल्ट है, 20 ओम है, सपोज यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो एक्चुअली में ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, ठीक है? तो यहाँ पे ये कहने को एक ही पॉइंट्स हैं, ए, सारे एक ही पॉइंट्स हैं, राइट? तो इनको पॉइंट्स को चाहे अलग अलग बना दो, चाहे इनको सबको एक ही ज्वाइन कर दो यहाँ पे, तो दिस इज जस्ट शोइंग द कनेक्शन। अदरवाइज एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे फिजिकल नेटवर्क बनाऊंगा, दुकान से तार खरीद के लगाऊंगा यहाँ पे, तो उस तार की रेजिस्टेंस होगी, उस तार की रेजिस्टेंस की वजह से हर पॉइंट पे वोल्टेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी, ठीक है? तो यहाँ पे हम तारों की रेजिस्टेंस नहीं मानते, ठीक है? इनको सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्शंस के तौर पे दिखाया जाता है, दैट्स इट। रेजिस्टेंस हमने सिर्फ यहाँ दिखाई है। तो प्रैक्टिकली अगर सोचेगा अर्षित, जैसे तू तो प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहा है, तो प्रैक्टिकली यू आर राइट, यहाँ पे अलग अलग पोटेंशियल होंगे हर एक जगह पे, क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होती है हर तार की, 0 रेजिस्टेंस की तार नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 के सर मेरा आंसर गलत आ रहा है सर। आपको व्हाट्सएप कर दूं कि आप अभी करवाओगे? किसी और का डाउट है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 डाउट है तो भेजो, नहीं है व्हाट्सएप कर देना अमोल, फिर मैं चेक कर ठीक है सर। लूंगा।
जयंत क्या सर डाउट है भाई? क्या डाउट है? आंसर नहीं आया होगा है ना? नहीं सर, नहीं सर आंसर तो नहीं सर। देखो ना यहाँ पे, जैसे मैंने अगर 5 जो ये 50 वोल्ट वाला है, अगर मैंने उससे करंट निकाला तो फिर मेरे को आगे इतनी बार डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, तो फिर हो नहीं रहा। इसमें तीन तीन वेरिएबल, नहीं इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी जयंत, इसमें तीन वेरिएबल लेने पड़ेंगे ठीक है, दिख रहे हैं? यहाँ पे ले ले, जैसे यहाँ पे ले ले I1, इस वायर में I1, इसमें ले ले I2, इसमें I3, और इधर से I1 + I2 + I3 ठीक है। इधर से I1 I2 I3 आ गया, I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया, I3 इधर चला गया। उसके बाद इन लूप्स में केवीएल लगाना पड़ेगा। तीन तीन वेरिएबल है तो तीन लूप्स लेने पड़ेंगे, या तो चाहे तीनों छोटे छोटे लूप्स ले लो, एक बड़ा लूप ले लो, जैसा मर्जी कर लो। ये कैलकुलेशन ओके करनी पड़ेगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बाकी उन्हें कर लिया एवरीवन? यस सर। ओके ठीक है। क्वेश्चन सिक्स। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स है डाउट। सिक्स्थ में उसने बोला हुआ है कि गिल्वेनोमीटर अगर जीरो रीड कर रहा है, मतलब उस सेक्शन ऑफ दी वायर में करंट नहीं जाएगा ठीक है, इस सेक्शन ऑफ दी वायर में करंट नहीं जाएगा। तो हमने अगर यहाँ पे केवीएल लगाना है ये हमें दे रखी है 12 वोल्ट की, ये 2 वोल्ट की है, ये है एक्स और ये है 500। ठीक है, तो करंट यहाँ पे मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, यहाँ से सपोज आई आ गया है ना, I1 आ गया, तो I1 इधर से आ रहा है ना, तो ये सारा का सारा I1 इधर चला जाएगा, इधर नहीं, इधर कोई करंट नहीं जा रहा, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है ठीक है। दैट मीन्स सारा का सारा I1 इधर चला जाएगा, राइट? I1 इधर ही जाएगा, I1 इधर, सारा इधर। तो एक लूप ये लगा लेते हैं, एक लूप इसमें लगा लो केवीएल, राइट? तो दो केवीएल लगा देंगे, एक इस लूप में एक इस लूप में। जब इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा, दूसरे वाला, यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, यहां से बाद वाला टर्मिनल +12, इसका बाद वाला टर्मिनल -500 I, और इसका बाद वाला टर्मिनल -XI = 0 ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, 500 + X * I = 12। तो पहली इक्वेशन, एक इसमें लगा देंगे, यहां से क्या आएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं, बाद वाला टर्मिनल +2, इसका बाद वाला टर्मिनल माइनस, तो -XI = 0 ठीक है। तो यहां से मेरे पास XI की वैल्यू, बेसिकली यहाँ पे XI की वैल्यू मेरे पास आ गई 2, इसको यहाँ पे पुट कर दो बस, तो यहाँ से I आ जाएगा। जब I आ गया तो वहां पे X X की वैल्यू डाल देना, X की वैल्यू आ जाएगी I की वैल्यू डाल के। सर अगर मैनोमीटर की रीडिंग 0 ही है तो फिर तो उसमें कोई करंट ही नहीं होगा ना, मतलब हाँ नहीं होगा, सिवाय। हाँ, इधर करंट नहीं होगा, तभी तो हमने इधर बांटा नहीं करंट, ठीक है। हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ना, जितना आई आया था उतना ही इधर ले गए। ठीक है, क्वेश्चन 7। सेवन डन।
यस सर। ओके हम इसका अभी टाइम कितना हो गया है हमारा, टाइम हो गया 11। इसका एक्सरसाइज 1 का जो पार्ट है वो हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी आगे आगे का टॉपिक करते हैं। Okay. Next topic is combination of batteries. Combination of batteries. Combination of batteries का मतलब है कि अगर एक से ज्यादा बैटरीज को हम कंबाइन करते हैं, चाहे वो सीरीज में है चाहे वो पैरेलल में है, कैसे हम कनेक्ट करते हैं, मिक्स्ड कनेक्शंस भी हो सकते हैं कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में, तो जो रिजल्टेंट ईएमएफ है और रिजल्टेंट उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितनी आएगी, राइट? तो इसके लिए मतलब ऑब्वियसली पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर हम बैटरीज को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, बहुत आसान सा छोटा सा टॉपिक है, ठीक है? तो अगर मैं बैटरीज को सीरीज कनेक्शन में लगाता हूँ, इसका मतलब क्या है कि मान लो एक ये है बैटरी, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरी इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरी इंटरनल रेजिस्टेंस एंड सो ऑन, ठीक है? दिस इज लेट्स से ई वन, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर वन, ई टू इंटरनल रेजिस्टेंस आर टू, ई थ्री आर थ्री एंड सो ऑन, ठीक है? तो इसमें व्हाट विल बी द नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी, नेट ईएमएफ क्या होगी ए एंड बी के बीच में, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री एंड सो ऑन, है ना? सारी बैटरीज की ईएमएफ देखो, मान लो मैंने दो सेल्स, तुम टॉर्च में सेल डालते हैं ना, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, ऐसे सेल डालते हैं, राइट? तो ये सारी की सारी बैटरीज किस में लगी होती है, सीरीज में लगी होती है, ठीक है? एक का पॉजिटिव फिर अगले का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर अगले का जो पॉजिटिव है नेगेटिव के साथ जुड़ा है, फिर ऐसे एंड सो ऑन, तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, फिर अगले का नेगेटिव अगले के पॉजिटिव के साथ, तो हम ऐसे सीरीज में लगाते हैं। तो हम यहाँ पे नेट ई एम एफ जो होगी, ई नेट, वो इन सबका सम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री टिल EN। यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है, ध्यान हमें ये देना है कि यूज EMFs विद साइन या पोलैरिटी, पोलैरिटी के साथ लेना, ठीक है? तो मैंने मान लो सपोज लेफ्ट साइड को जो जिसका पॉजिटिव टर्मिनल है तो प्लस मान लिया, तो सबका लेफ्ट में है पॉजिटिव, सबका प्लस हो जाएगा, ठीक है? अगर कोई बैटरी उल्टी लगी होगी तो उसका वहां पे माइनस हो जाएगा, जैसे चलो इतना लिखो पहले, हम इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी लिख लेते हैं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर टोटल विल बी, ये किसमें लगी हुई है सारी की सारी रेजिस्टेंसेस, किसमें है, सीरीज में, तो सबका सम हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंटल आर एन, सबका सम हो जाएगा। तो ये जो बैटरी है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई नेट एंड आर टोटल ए एंड बी के बीच में, ई नेट एंड आर टोटल ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एंड बी के बीच में सबका सम, ई नेट की ये रही वैल्यू और आर टोटल की ये वैल्यू है, ठीक है?
ठीक है, अब मान लो ये रेजिस्टेंसेस, हाँ जी रेजिस्टेंसेस के बीच में चिरवी तुम्हारी ना आवाज क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जहां तक मुझे समझ आ रहा है तुम पूछ रही हो कि रेजिस्टेंसेस के बीच में बैटरी लगी है तो सीरीज में, अरे यहाँ फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंसेस जो है वो सीरीज में है, क्यों? क्योंकि जितना रेजिस्टेंस पहली रेजिस्टेंस में जितना करंट गया उतना ही आगे उस दूसरी वाली में गया, करंट डिवाइड नहीं हुआ, अगर करंट डिवाइड नहीं होता देन वी कॉल दोस रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। मैंने उस दिन भी समझाया था तुम लोगों को यही चीज सेम, कि अगर मेरे पास ये दो रेजिस्टेंसेज हैं R1, R2, ये किसमें लगी हैं? ये दो रेजिस्टेंस किसमें है शेरवी? सीरीज में। इसमें बोलोगे तुम सीरीज में बोलोगे ऑब्वियसली, अगर रेजिस्टेंस R1, इसके बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा दी मैंने R3 और R2, यहाँ पे एक और बीच में घुसा दी रेजिस्टेंस R3। अब R1 और R3 किसमें है? R1 और R2 किसमें है? सीरीज में। तो स्टिल यू विल कॉल दीज इन सीरीज ना, तो R3 अगर मैं हटा भी दूं ऐसे कर दूं तब भी सीरीज में है, बीच में लगा दिया तब भी सीरीज में, R3 की जगह कुछ और लगा दूं बैटरी लगा दूं तब भी R1 और R2 किस में रहेंगे? सीरीज में ही रहेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में करंट डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर R1 ऐसे है और R2 ऐसे चला गया, R2 और R3, अब R1 और R2 का करंट सेम नहीं रहा और डिवाइड हो गए यहाँ पे बीच में, देन दीज आर नॉट इन सीरीज। ओके आगे सर। ओके तो ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट आ गया इसमें। सर एक मिनट रुकना प्लीज, पीछे वाला नोट डाउन करना है। Yes, sir. Okay, इसमें special case, if all the batteries या all the cells are identical, if all the batteries या cells are identical, तो क्या होगा? सारी identical हैं, तो E net कितनी हो जाएगी? N N connected है। If all the N batteries, if all the N batteries are identical, तो E net हो जाएगी N E, and R total कितना हो जाएगा? N R, R total कितना होगा? N R, ठीक है? तो बैटरी का EMF भी बढ़ गया, हमें फायदा हो रहा है, और internal resistance भी, तो naturally वो तो चलो हो रहा है जो हो रहा है, लेकिन हमें EMF जो है वो बढ़ गई मिल गई, तो सर्किट का फायदा होगा बैटरीज को सीरीज में लगाने का, ठीक है? बट यही काम अगर पैरेलल में होता, दूसरा जो कनेक्शन है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। E1, E2, E3, E4, R2, R3, Rn। तो अगर इन बैटरीज को हमने पैरेलल में लगा दिया तो इसका जो EMF का फॉर्मूला होता है ना, EMF नेट EMF, वो फॉर्मूला होता है E1 by R1 plus E2 by R2
and so on till En by Rn divided by 1 by R1 plus 1 by R2 till 1 by Rn. ई नेट का जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा, और इसमें आर इक्विवेलेंट वो ऑब्वियसली सारी की सारी रेजिस्टेंस इसमें है, पैरेलल में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज ऑब्वियसली 1 बाय आर1 प्लस 1 बाय आर2 प्लस 1 बाय आर3 टिल 1 बाय आरएन. अब इसमें स्पेशल केस लिखो, इफ ऑल द एन बैटरीज आर आइडेंटिकल, तो फाइंड करना जरा ई नेट कितना आएगा, ई नेट फाइंड करो कितना आएगा, ई टोटल अपॉन ई टोटल अपॉन एन करो फाइंड. गलत है प्राची, हाँ आर्यन ठीक है. सर इफ ऑल द एन बैटरीज आर आइडेंटिकल. हाँ दिग्गज सर आपको आवाज आ रही है? आ रही है सर, एक बार रिपीट करना जो आपने पहले कहा था क्वेश्चन कौन सा था. मैं बोल रहा था इफ ऑल द एन बैटरीज आर आइडेंटिकल उस केस में ई नेट फाइंड करो कितना आएगा. सर अब देखना आर्यन का ठीक है, गरु का ठीक है, अर्शित ना अर्शित का गलत है. नहीं राहुल का गलत है, प्राची का नहीं, हरमन का ठीक है, चमन का ठीक है, हर्षिता का ठीक है, अर्पिता का ठीक है, मनविंदर का ठीक है, नहीं जैस्मिन का गलत है, नवीश का ठीक है. आयुष नहीं, हाँ जी अर्षित का नहीं, नहीं दिवंशी, फिर भी तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है, टाइप करके बता दो. फिर भी तुम्हारे नेटवर्क प्रॉब्लम है, टाइप करके बता दो. नहीं प्राची, अरे इसमें अगर सारी की सारी बैटरीज आइडेंटिकल हैं तो सबकी ईएमएफ ई है, सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो क्या आएगा, ई बाय आर प्लस ई बाय आर प्लस ई बाय आर, कितनी टर्म्स है ये, एन टर्म्स, डिवाइडेड बाय 1 by R plus 1 by R plus 1 by R, कितनी टर्म्स है ये भी, n टर्म्स. आस्था नहीं, हमने तो डायमेंशन चेंज कर दिया. आस्था प्राची गोयल का आप ठीक है, अर्षित का आप ठीक है, तुम लोग ये भूल गए होगे नीचे कुछ, ठीक है, तो ऊपर क्या है n e by R, नीचे क्या है n by R, क्या बचा, मैं
9 था, बाकी E भी सेम है, मैंने वो E सेम ही ना लिए, मैंने E total 1 N कर दिया। N identical है batteries, E तो same होगा। हाँ, ध्यान नहीं दिया, वही तो। Yes वंशिका, तो E net क्या होगा? E होगा। तो question में ना, अगर आपके पास identical batteries आती हैं और वैसे parallel में लगी हैं, right? तो उनका ई नेट जो राहुल तुमने मल्टी क्या कर, ठीक है, तो उन वहां पे सीधा ई नेट को हम ई यूज कर सकते हैं बस, ठीक है, वहां पे कैलकुलेशन बच जाएगी हमारी, राइट। तो ई नेट इन केस ऑफ पैरेलल इज ई, तो चाहे जितने मर्जी सेल को हम पैरेलल में लगाते रहो पागलों की तरह, उन्होंने सबने नेट ईएमएफ ई ही देनी है। तो इट इज यूजलेस टू कनेक्ट द बैटरीज इन पैरेलल, आइडेंटिकल बैटरीज इन पैरेलल, क्योंकि नेट ईएमएफ हमें ई ही मिलेगी, ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ओके ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इसमें भी ध्यान रखना यूज विद पोलैरिटीज, ठीक है, पोलैरिटी के साथ यूज करना है। वो पोलैरिटी कैसे यूज करनी है एक बार एग्जांपल में कर लेते हैं उसको, ठीक है। यस अमोल, इट इज एप्लीकेबल फॉर, अगर आर भी सेम है तभी आएगा ई ना। गर्भ हम सीरीज में, यार देखो हमारे पास कुछ सेल है, मेरे पास अब बाजार में जाएंगे, मेरे पास 1.5 वोल्ट का सेल मिलता है, ठीक है। गर्व इज आस्किंग व्हाई हम के हम बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट कर ही क्यों रहे हैं, है ना, क्या जरूरत क्या है? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, वी डोंट हैव अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन द मार्केट। हमारे पास 1.5 वोल्ट का सेल आता है, 9 वोल्ट की बैटरी आती है बाजार में, 12 वोल्ट की बैटरी मिलती है, बट अगर मुझे 6 वोल्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो आई हैव टू कनेक्ट 4 सेल्स इन सीरीज, 1.5 वोल्ट वाले 4 मुझे सीरीज में कनेक्ट करने पड़ेंगे, तभी मुझे 6 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अब टॉर्च को ऑपरेट करने के लिए 3 वोल्ट चाहिए होता है, तो 3 वोल्ट की बैटरी तो मिलती नहीं बाजार में, तो मुझे 2 सेल डालने पड़ते हैं उसमें, ठीक है। दैट इज व्हाई वी कनेक्ट दीज बैटरीज इन सीरीज, राइट। ऐसी जो रिमोट है हमारा टीवी वाला रिमोट, वो भी 3 वोल्ट पे चलता है, तो अब 3 वोल्ट पे अगर चलता है, वो 3 वोल्ट ऐसे है, सिंगल बैटरी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो उसमें 2 सेल डालते हैं हम 1.5 वोल्ट के, ठीक है। तो ये रीजन है कनेक्शन ऑफ बैटरीज इन सीरीज। ओके एक क्वेश्चन करो, हम वैसे ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं आज, उस दिन हमने केवीएल के मोड से किया था, आज हम कनेक्शन ऑफ बैटरीज इन सीरीज के मोड से करेंगे, ठीक है, सेम क्वेश्चन। तो उसी क्वेश्चन को करने का दूसरा एंगल है ये, तो वैसे मैंने दोनों मेथड खैर उसी दिन बता दिए थे तुम लोगों को, उस दिन सिर्फ करना हमें केवीएल, दिवांशी म्यूट करो, इधर सुन रही है बातें, find the net EMF of the circuit, total resistance of the circuit and the current in the circuit. Net EMF, total resistance. तो series वाला तो बहुत simple होता है, कोई इसमें कोई बड़ी तोप नहीं चलानी, इसमें तो बहुत ही सिंपल है सीरीज वाला तो।